नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर से पिछले साल एंटरप्रेन्योरशिप की बुक से जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर आया था, तो आज हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। उसमें जो पहला सवाल जो था वो ये था कि उद्यमिता का क्या मतलब है और उद्यमिता के मेन टाइप कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि उद्यमिता की डेफिनेशन क्या है। उद्यमिता है क्या, उद्यमिता का मतलब क्या है। हम सबसे पहले उद्यमिता का मतलब जानेंगे और उसके बाद में इसके जो टाइप्स हैं उन टाइप्स की बात करेंगे। आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से आंसर देना है उनकी भी अपन बात करेंगे। तो उद्यमिता की डेफिनेशन क्या है। देखिए, उद्यमिता की डेफिनेशन जो है बड़ी आसान सी डेफिनेशन है उद्यमिता की, कि उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें कोई सृजनात्मक, कल्पनाशील, महत्वाकांक्षी एवं जोखिम प्रेमी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने वातावरण में उपलब्ध अवसरों की खोज करता है। ये बुक की लैंग्वेज है जो आपको लिखनी है, बट इसको आसान तरीके से हमको पढ़ना है और इसकी आसान डेफिनेशन क्या है उसकी बात करेंगे। ये उद्यमिता जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है और इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि कोई एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति, एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति जो कोई भी बिजनेस चलाने जा रहे हैं या बिजनेस चला रहे हैं, कोई भी बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं, तो उनका मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना। मतलब उनका मेन मकसद होता है लाभ कमाना। इसमें तीन फैक्टर आते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है रिस्क टेकिंग। आप जो बिजनेस चला रहे हैं, जो बिजनेस आप चलाने जा रहे हैं, उसमें रिस्क टेकिंग का सबसे मेन फैक्टर आता है आपके बिजनेस में रिस्क कितना है। आप अपने बिजनेस में रिस्क को किस तरीके से जानेंगे, उसका लेवल क्या है। तो सबसे पहला अपना पॉइंट आता है रिस्क टेकिंग। आप अपने बिजनेस में रिस्क को जानेंगे, रिस्क का लेवल कितना है। उसके बाद में स्किल्स। एक उद्यमी में, एक व्यवसायी में स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस में रिस्क को लो लेवल पे लेके आ सके। मतलब अपने बिजनेस में जो रिस्क जो हैं उनको घटा सके, ऐसे उसमें स्किल्स होनी चाहिए। अब जैसे रिस्क कौन कौन सी होती हैं। रिस्क होती हैं कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, प्रोडक्ट की मार्केट की हालत कैसी है, उसकी डिमांड है कि नहीं है, कस्टमर उसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं लेते। तो आपको ये सारी रिस्क वहाँ देखनी होंगी। अब स्किल्स का मतलब क्या है। स्किल्स का मतलब है कि आप में ऐसे क्षमता या आप में ऐसे गुण होने चाहिए ताकि आप कस्टमर्स को या बाज़ार में इसकी डिमांड पैदा कर सकें, आप अपने प्रोडक्ट को बेच सके। ये स्किल्स आप में होनी चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वो है इनोवेशन। इनोवेशन ये एक फैक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। देखिए, इसमें कोई एक व्यवसायी जो है वो कहीं किसी चीज़ की कॉपी करने के बजाय कोई नई चीज़ लेके आता है मार्केट में। आप नई नई चीज़ें लेके आएंगे और आप बाजार में जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें लेके आएंगे, तो आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर पाएंगे उस केस में। जैसे मान लेते हैं, मैं इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। 2002 तक ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के लिए स्कूटर जो था वो सबसे मेन प्रोडक्ट था उस टाइम में। अब धीरे धीरे कस्टमर की डिमांड बढ़ी, बदलाव आया, आवश्यकताएं बदली। तो जब कस्टमर्स की आवश्यकता बदली तो उस केस में ऑटोमोबाइल कंपनियों ने स्कूटर बनाना बंद कर दिया और उसकी जगह बाइक लेके आए। तो जो लोग स्कूटर बना रहे थे उनका बिजनेस धीरे धीरे डंप होने लगा
और जिन लोगों ने बाइक बनाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने मार्केट को मैक्सिमम किया। कुल मिला के उन्होंने एक अपने बिजनेस में इनोवेशन किया, उन्होंने परिस्थिति के अनुसार वो लोग नई चीज़ लेके आए, मतलब वो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, कस्टमर की आवश्यकता के हिसाब से प्रोडक्ट लेके आए, उसमें बदलाव किए, इसको इनोवेशन कहते हैं। आप नई चीज़ें लेके आना अपने बिजनेस में, नई नई चीज़ें लेके आना, हाँ नई चीज़ों को इंक्लूड करना, ये इनोवेशन होता है। अच्छा, अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, हमको इसका आंसर किस तरीके से देना है, हम एग्ज़ाम में इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। अभी तक जो अपन ने बातें की थी, क्या यही मेन आंसर है? नहीं, ये मेन आंसर नहीं है। आपको इन सब जनरल पॉइंट के हिसाब से आपको इसकी डेफिनेशन बनानी है जो आप एग्ज़ाम में लिखने वाले हैं। तो एग्ज़ाम में हम लोग किस तरीके से लिखेंगे इसको, इसमें लिखेंगे उद्यमिता एक प्रोसेस है। मैंने पहले ही बताया था उद्यमिता एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कोई भी सृजनात्मक, कल्पनाशील, महत्वाकांक्षी या जोखिम प्रेमी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, मतलब एक या एक से ज्यादा व्यक्ति जो अपने वातावरण में, एक या एक से ज्यादा व्यक्ति जो अपने वातावरण में, मतलब उनका जो वातावरण है, उनका जो समाज है, उस समाज में जो अवसर उपलब्ध हैं, जो जो अपॉर्चुनिटीज जो उनके पास हैं, उन अपॉर्चुनिटीज का वो विश्लेषण करते हैं, उनकी जांच करते हैं और उनमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव प्लान वो लोग करके लेके आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो नवाचार करते हैं और उन नवाचारों को अप्लाई करने के लिए वो किसी संगठन का निर्माण करते हैं, मतलब वो किसी बिजनेस को बनाते हैं और बिजनेस बनाने के बाद में वो समाज की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं तथा उनका मेन मकसद होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में लिखनी है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे उद्यमिता के टाइप्स, उद्यमिता कितने प्रकार की होती है। तो इसमें देखिए आपकी मेन हेडिंग आती है कि आप उद्यमिता को व्यवसाय के आधार पर बांट सकते हैं, मींस उद्यमिता को आप बिजनेस एक्टिविटीज के आधार पर आप बांटेंगे। ये आपका मेन पॉइंट हो गया, मतलब ये आपकी मेन हेडिंग है। अब इसके बाद में इसमें छोटे छोटे 5 पॉइंट आते हैं, मतलब ये आपकी सब हेडिंग हो गई। तो इसमें पहला आपका जो पॉइंट है वो ये है कि उद्यमिता को एक्टिविटीज़ के आधार पे बांटेंगे। तो सबसे पहली एक्टिविटीज़ आती है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप में बड़े बड़े उद्योग आते हैं जिनसे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, जिनसे कई छोटे छोटे उद्योग बनते हैं, जिनसे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। ये इंडस्ट्रीज एक बड़े पैमाने पे होती हैं, इनका आउटपुट का जो लेवल है वो मैक्सिमम होता है। जैसे इनमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, उद्योग, मशीनें, केमिकल्स आदि जो व्यवसाय हैं वो इसमें कवर्ड होती हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है व्यापारिक उद्यमिता, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए आपको इसमें अपने प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको खरीदना बेचना होता है, सिंपल सा इतना ही काम काम होता है, सिर्फ ट्रेडिंग का काम होता है। और इसके लिए आपको ये पता करना होता है कि मार्केट में प्रोडक्ट की मांग है कि नहीं है, मार्केट में इसकी आवश्यकता है कि नहीं है, और अगर आवश्यकता नहीं है तो आपको आवश्यकताएं बढ़ानी होती हैं, आपको इसके लिए आवश्यक स्टेप्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पे उठाने पड़ते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें एक स्किल फैक्टर होता है, यहाँ आपको स्किल फैक्टर लगाने होते हैं ताकि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकें। मतलब सीधी सीधी बात है, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप में हम गुड्स को खरीदेंगे और बेचेंगे। अच्छा, इसके बाद में तीसरा पॉइंट आपका आता है सर्विस एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए यहाँ हम किसी चीज़ को खरीदेंगे बेचेंगे नहीं, यहाँ सिर्फ सर्विसेज दी जाती हैं। सर्विसेज देने के लिए कौन कौन से इसमें
व्यवसाय हो सकते हैं, जैसे बैंक, बीमा, परिवहन, कुरियर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, इंटरटेनमेंट आदि। ये ऐसे बिजनेस होते हैं या ये ऐसे व्यवसाय होते हैं जहाँ सर्विसेज दी जाती है। तो ये भी आपका जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ का ये एक हिस्सा है, एंटरप्रेन्योरशिप का ये भी एक हिस्सा है। इन बिजनेसेस में भी रिस्क होती हैं, यहाँ भी आपको इनोवेशन लेके आने होते हैं, यहाँ भी आपको जो है रिस्क के साथ साथ आपको आप में स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, कृषि को भी व्यावसायिक रूप से किया जा सकता है। कृषि का जो कार्य है उसे हम लोग उद्योगों से जोड़ सकते हैं, उसको हम व्यवसायों से जोड़ सकते हैं। इसके बाद कृषि उद्यमिता नंबर 4 पे है एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब हम कृषि को भी उद्यमिता के साथ जोड़ सकते हैं, हम लोग कृषि को भी एक व्यवसाय का रूप दे सकते हैं, हम कृषि को व्यावसायिक रूप से करें। जैसे कृषि में आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करें, रासायनिक खादों का इस्तेमाल करें, और इसमें भी हम लोग नई नई इनोवेशन करें। इन सब का उपयोग करते हुए हम लोग कृषि को एक नया रूप दे सकते हैं, हम इसको भी व्यावसायिक गतिविधियों के अनुसार या व्यावसायिक जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम इसको शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में आपका पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5। देखिए, पॉइंट नंबर 5 है ये इन सब को मिला के बनता है। आपके आपने अभी तक 4 पॉइंट पढ़े हैं, औद्योगिक उद्यमिता, व्यापारिक सेवा, कृषि, इन सब को मिला देने के बाद में एक एक्टिविटीज़ बनती है जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट और बिजनेस एक्टिविटीज़। ये इन चारों जो पॉइंट्स हैं, चार ये जो चार आपने बिजनेस एक्टिविटीज़ अभी तक जो पढ़ी हैं, इन सब को मिलाने के बाद में जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम कहेंगे कंपोजिट एक्टिविटी। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 आता है आपका, ये है आप एंटरप्रेन्योरशिप को ओनरशिप के आधार पे भी बांट सकते हैं। और ओनरशिप के आधार पे इसको बांटने के लिए हम लोग किस तरीके से बांटेंगे, इसमें देखिए 4 पॉइंट आपके आते हैं। ओनरशिप के आधार पे हम इसको 4 बिंदुओं के रूप में पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप में देखिए 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने खुद के हित के लिए वो लोग काम करते हैं। उनमें उनका खुद का श्रम का बेनिफिट होता है, वो केवल अपने हिस्से के लिए काम वो लोग करते हैं, ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप होती है। इनका जो लाभ है, जो मैक्सिमम लाभ लाभ कमाने की भावना से है। इसके बाद में आपका पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5। देखिए, पॉइंट नंबर 5 है ये इन सब को मिला के बनता है। आपके आपने अभी तक 4 पॉइंट पढ़े हैं, औद्योगिक उद्यमिता, व्यापारिक सेवा, कृषि, इन सब को मिला देने के बाद में एक एक्टिविटीज़ बनती है जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट और बिजनेस एक्टिविटीज़। ये इन चारों जो पॉइंट्स हैं, चार ये जो चार आपने बिजनेस एक्टिविटीज़ अभी तक जो पढ़ी हैं, इन सब को मिलाने के बाद में जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम कहेंगे कंपोजिट एक्टिविटी। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप को हम ओनरशिप के आधार पे भी बांट सकते हैं, और इसमें ये आपकी मेन हेडिंग है, इसमें सब हेडिंग आपकी आएगी प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप। प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप में देखिए एक व्यक्ति या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो वो अपना ग्रुप बनाकर व्यवसाय करते हैं, और ये सिर्फ अपने खुद के हिस्से के लिए काम करते हैं, मतलब इनमें जो लाभ कमाने की भावना होती है वो खुद के हिस्से के लिए होती है। ये
ग्रुप के लिए करते हैं काम, तो इसको हम लोग नाम देंगे प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है पब्लिक और गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो व्यवसाय है ये व्यवसाय गवर्नमेंट की नीतियों के अनुसार किया जाता है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाता है। तीसरा जो अपना पॉइंट है वो आता है जॉइंट सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब अगर आप निजी उद्यमिता और अगर आप पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब निजी उद्यमिता और सार्वजनिक उद्यमिता को दोनों को मिला देंगे तो वो आपका जॉइंट सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जाना जाएगा, मतलब संयुक्त क्षेत्र की उद्यमिता के नाम से वो जाना जाएगा। अब अपना लास्ट पॉइंट आता है इसमें कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप में दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इसमें इतना होता है कि इसमें एक सबके लिए तथा सब एक के लिए की भावना पे व्यवसाय किया जाता है। इसमें सहकारिता की भावना के आधार पे या फिर सहकारिता के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय किया जाता है। इसके बाद में तीसरा अपना जो मेन पॉइंट आता है वो है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को बांटेंगे नेचर के आधार पे। नेचर के आधार पे इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है रूटीन एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरा आता है न्यू एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए रूटीन एंटरप्रेन्योरशिप में आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें इनोवेशन बहुत कम करना पड़ता है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होता है, तो इसमें रिस्क का लेवल भी कम होता है। मतलब ये एक तरीके से हम इसको यूं भी जान सकते हैं कि ये बिजनेस का एक छोटा रूप होता है जिसमें आपको जो है रोजाना की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको करनी होती हैं, मतलब आपको रोज आप नीति बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये छोटे व्यवसाय होते हैं, ये सिर्फ अपने प्रबंध के दैनिक कार्यों पर ये ध्यान देते हैं। इसमें क्योंकि इसका फॉर्मेट जो है इसका जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो बहुत कम होती हैं, इसका जो बिजनेस का जो दायरा है वो छोटा होता है, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट की भी कम आवश्यकता होती है, इस कारण इसमें इनोवेशन करने की भी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है और इसी कारण इसमें रिस्क भी कम होता है। और अगर अपन दूसरा इसमें पॉइंट पढ़े तो वो दूसरा पॉइंट है इसमें न्यू एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से। इसमें आपको ये इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में बात करेगा, आपका रूटीन एंटरप्रेन्योरशिप है ये बिल्कुल इससे विपरीत होता है। जैसे आपको यहाँ स्ट्रेटजी बनानी होती है, यहाँ आपको इनोवेशन करना होता है, इसका जो दायरा है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो इधर रिस्क भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया नवीन उद्यमिता। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं जो जिसका नाम है सोच या दृष्टिकोण के आधार पर उद्यमिता का वर्गीकरण, मतलब हम सोच या दृष्टिकोण के आधार पर अब उद्यमिता को बांटने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है परंपरागत या विकासात्मक उद्यमिता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आज से पहले या अब से पहले की अगर अपन बात करें तो मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दूं कि आज़ादी के वक्त भारत में व्यवसाय जो होता था वो परंपरागत तरीके से होता था, तो परंपरागत तरीके से व्यवसाय जो होता था उसमें इनोवेशन करने की आवश्यकता ना के बराबर होती थी, उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होता था तो उसमें रिस्क भी कम होता था। तो ये जो सोच है हम इसको बोल सकते हैं कि परंपरागत या विकासात्मक उद्यमिता, ये अपने आप में पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती थी। दूसरा पॉइंट है आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता, जो आज के ज़माने में जो चल रहा है हम उसकी बात करेंगे। देखिए आज जो है वक्त बदल गया है, लोगों की आवश्यकताएं बदल गई हैं, इसलिए हर एक बिजनेसमैन के लिए चुनौती बन जाती है कि उसको
अपने बिजनेस में इनोवेशन करना होगा, उसमें अपने बिजनेस में जो रिस्क हैं उन रिस्क को घटानी होंगी और अपनी स्किल्स को बढ़ानी होंगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता। अगला पॉइंट है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी बांट सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप। सेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि आप अपनी उद्यमिता को, आप अपने उद्योगों को, आप अपने व्यवसाय को किसी एक जगह या फिर किसी एक जिले या किसी एक राज्य की सीमा के भीतर आप उनका संचालन कर रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि आप जिस जगह व्यवसाय चला रहे हैं, जिस जगह आप उद्योग चला रहे हैं और दूसरी जगह या दूसरे राज्य, वहाँ उस देश में, उन राज्यों में भौगोलिक असंतुलन या फिर उन राज्यों में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। अब जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए, बानसूर में उद्योग इतने अच्छे रूप में विकसित होने में, अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि बानसूर में उद्योग है ही नहीं, और अगर दूसरी साइड अगर अपन बात करें तो नीमराना में काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं वहाँ पे, और भी कई सारी कंपनियां वहाँ पे आ चुकी हैं, वो लोग अपना व्यवसाय वो लोग वहाँ पे कर रहे हैं। तो नीमराना जो जगह है वो उद्योगों के लिए ही जानी जाती है, तो वो जगह काफ़ी डेवलप है बानसूर से। तो बानसूर में और नीमराना में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। इसी तरीके से अगर आप किसी एक ही पर्टिकुलर किसी एक जगह पे ही अगर आप उद्योग करेंगे तो वहाँ हम उसको सेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानेंगे। अगला जो अपना पॉइंट है वो है डिसेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ये इसके बिल्कुल विपरीत है। हम किसी एक जगह पे अपना उद्योग ना करते हुए हम देश के विभिन्न जगह पे या हम देश के विभिन्न राज्यों में या फिर विदेश में भी अगर हम अपने उद्योग अगर हम अपना व्यवसाय अगर करते हैं तो उसको हम डिसेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। मतलब जो बातें सेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप में होती हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप में इसके बिल्कुल विपरीत बातें होती हैं। अगला पॉइंट है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को स्थान के आधार पर भी बांट सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, हम अपना व्यवसाय गांव में भी स्थापित कर सकते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं उन लोगों का अधिकांशतः उनका बिजनेस गांव में ही होता है। तो जो लोग गांव में अपना बिजनेस करते हैं तो वहाँ उनका बिजनेस का रूप जो है छोटा होता है, तो इस कारण उनमें धन की आवश्यकता भी बहुत कम पड़ती है, इन्वेस्टमेंट कम होता है और वो लोग इनोवेशन के प्रति इतने जागरूक भी नहीं होते। लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र में अगर आप अपना व्यवसाय या उद्योग अगर स्थापित करते हैं तो आपको अधिक धन की आवश्यकता होगी, मतलब इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, और अगर इन्वेस्टमेंट अगर आपका ज़्यादा होता है तो रिस्क भी ज़्यादा होगी। तो उस केस में आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, आपकी स्किल्स देखी जाएंगी आप में कितनी स्किल्स हैं, और हमें उस केस में मार्केट का भी विश्लेषण करना होता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस के लिए वो बाजार सफिशिएंट है कि नहीं है। अगला अपना पॉइंट आता है हम एंटरप्रेन्योरशिप को उद्यम कर्मियों की संख्या के आधार पर भी बांट सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप। अगर व्यवसाय या उद्योग कोई एक व्यक्ति अगर संचालित करता है तो हम उसको कहेंगे सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल। अगला पॉइंट आता है ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप। अगर व्यवसाय दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर ग्रुप बनाकर अगर व्यवसाय का संचालन करते हैं, उद्योगों का संचालन करते हैं, तो उसको हम ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे, जैसे पार्टनरशिप। तीसरा पॉइंट अपना आता है जीवन साथी सह उद्यमिता।
इसमें होता क्या है, हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर अगर कोई व्यवसाय का संचालन करते हैं, कोई उद्योग का संचालन करते हैं, तो उसको नाम दिया गया है जीवन साथी सह उद्यमिता। ये है इंस्टीट्यूशनल और कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, इसमें अगर आप अपने व्यवसाय को किसी इंस्टीट्यूट के फॉर्म में या कंपनी के फॉर्म में अगर आप रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो आपका वो बिजनेस इंस्टीट्यूशनल या कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जाना जाएगा। इसमें भी व्यक्तियों की संख्या 2 से ज़्यादा ही होती है।